हे गाइस वेलकम बैक आज हम लोग सीखेंगे डेली यूज होने वाले कुछ कॉमन बोकेबलरी वर्ड तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है उठकर बैठना इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिट अप सिट अप अब इसका एग्जांपल है उठकर बैठो और कुछ कसरत करो सिट अप एंड एक्सरसाइज अप एंड सम एक्सरसाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है नीचे बैठना इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिट डाउन सिट डाउन अब इसका एग्जाम्पल है वह नीचे बैठ गई शी सेट डाउन शी सेट डाउन हमारा नेक्स्ट वर्ड है घुटनों के बल बैठना इसको इंग्लिश में बोलते हैं नील नील अब इसका एग्जाम्पल है वह बच्चों से बात करने के लिए घुटनों के बल बैठी शी ने डाउन टू टॉक टू द चाइल्ड टन टू टॉक टू द चाइल्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड है पालथी मारकर बैठना इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिट क्रॉस लेग्ड सिट क्रॉस लेग्ड अब इसका एग्जाम्पल है पढ़ते समय पालथी मारकर बैठो सिट क्रॉस लेग्ड वाइल हैविंग रीड सिट क्रॉस लेग्ड वाइल हैविंग रीड हमारा नेक्स्ट वर्ड है अधखुला इसको इंग्लिश में बोलेंगे जार अजार अब इसका एग्जाम्पल है दरवाजा आद खुला है द डोर इज नेक्स्ट वर्ड है गुनगुनाना इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हम अब इसका एग्जाम्पल है वह गुनगुना रही है इज हमिंग सॉन्ग इज हमिंग सॉन्ग हमारा नेक्स्ट वर्ड है करना इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिक ट्रिक अब इसका एग्जाम्पल है उसने मेरे साथ छल किया हिट विद मी ट्रिक विद मी हमारा नेक्स्ट वर्ड है कसकर बांधना इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइटन टाइटन अब इसका एग्जाम्पल है उसकी बेल्ट कसकर बांध दो टाइटन हिज बेल्ट टाइटन हिज बेल्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोहराना इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिट्रेट, रिट्रेट। अब इसका एग्जाम्पल है इस पार्ट को फिर से दोहराओ रिट्रेट दिस लेसन अगेन रिट्रेट दिस लेसन अगेन हमारा नेक्स्ट वर्ड है काबू पाना इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीअडॉन बीय डाउन अब इसका एग्जाम्पल है पुलिस हालात पर काबू पा रही है द पुलिस बियर डाउन ऑन द सिचुएशंस द पुलिस बियर डाउन ऑन द सिचुएशंस हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिरासत इसको इंग्लिश में बोलते हैं कस्टडी कस्टडी अब इसका एग्जाम्पल है पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है द पुलिस टेकन हिम इन टू कस्टडी पुलिस हेज टेकन हिम इन टू कस्टडी हमारा नेक्स्ट वर्ड है आजीवन कारावास इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट अब इसका एग्जाम्पल है उसे आजीवन कारावास की सजा होगी ही विल बी सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट ही विल बी सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट नेक्स्ट वर्ड है बुरा मानना इस इंग्लिश में बोलते हैं माइंड माइंड अब इसका एग्जाम्पल है कृपया मेरी बातों का बुरा मत मानो प्लीज डोंट माइंड मी प्लीज डोंट माइंड मी मारा नेक्स्ट वर्ड है सारा समय इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल द वाइल ऑल द वाइल अब इसका एग्जाम्पल है सारा समय तुम क्या करते रहते हो वट डू यू कीप डूंग ऑल द वाइल वट डू यू कीप डूंग ऑल द वाइल ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय